नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और स्टेलियंस MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं GTL इंफ्राटेक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो GTL में एक बार फिर से जो तेज़ी है देखने को नज़र आ रही है दोस्तों, इस तेज़ी के पीछे की भी बड़ी वजह होने वाली है, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए तो लगातार जो आज गिरावट यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है, साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो GTL पर तेज़ी नज़र आ रही है, तो इसके पीछे की बड़ी जो वजह है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो चार्ट का जो संकेत है वो किस प्रकार का होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को लास्ट एनालिसिस पर बताया था कि मार्केट में जो है तेजी देखने को नजर आ सकती है, और आज फिर से वही देखने को नजर आया है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में आज की जो ओपनिंग नजर आई थी वो 90 पैसे के साथ, और बड़ी जो हाईएस्ट अगर आज की प्राइस देखा जाए तो 95 पैसे तक यहाँ पे जो प्राइस थी वो देखने को नजर आई थी। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में उतार चढ़ाव आज के फिर से देखने को नजर आ रहे हैं, और इसमें गिरावट अगर देखी जाए तो दोस्तों गिरावट जो है एक बार फिर से जो है देखने को नज़र आई। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो उतार चढ़ाव जो क्लोजिंग पर देखने को नज़र आ रहे हैं दोस्तों, वो गिरावट की तरफ भी जाते हुए नज़र आए। पर लास्ट 6 महीने में अगर देखा जाए तो रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अगर देखने को नज़र आए। पर अगर देखा जाए तो दोस्तों जो है 15 सेप्टेम्बर के बाद देखा जाए तो मार्केट में जो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को नज़र आने वाली है। रिटर्न्स अगर देखा जाए तो लगभग 227% की जो रिटर्न्स है वो गिर चुकी है, 35 पैसे का जो लॉस है वो यहाँ पर आ चुका है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो वैसे ही देखे तो मार्केट में दोस्तों क्रेश जो है ऑलरेडी देखने को नजर आ रहा है, और कंपनी के फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ पे नेगेटिव की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी में लगातार जो तेजी थी वो लास्ट 1.5 महीने के अंदर जो देखने को नजर आई, उसके बाद देखने को नजर आया कि अभी के टाइम लगातार जो लोअर सर्किट है वो देखने को नजर आ रहा है। पर जहां तक देखने को मिल रहा है कि दोस्तों कंपनी की तरफ से क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर कोई भी जो नोटिफिकेशन है देखने को नजर नहीं आ रहा, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो नोटिफिकेशन की बात की जाए तो दोस्तों जो है लास्ट टाइम सर्कुलर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 6 अक्टूबर को हुआ था, उसमें देखने को मिला था कि कंपनी जो दोस्तों लॉस और सर्टिफिकेट यहाँ पे शेयर किए गए थे, पर उसमें दोस्तों क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को लेकर कोई भी जो अपडेट थी ऑफिशियल देखने को नजर नहीं आई। पर अभी टाइम जहाँ तक देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रिजल्ट है, मैंने दोस्तों आप लोग को पिछले टाइम भी बताया था कि कंपनी का जो रिजल्ट है वो 6 से 8 के बीच में आप लोगों को देखने को नजर आ सकता है, और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में आज का जो कारोबार देखने को नजर आए, जो बड़ी बाइंग ऑर्डर फिर से लगी है, तो काफ़ी बड़े जो है मार्केट में कल तेजी आने का जो संकेत है वो फिर से देखने को नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम देखा जाए तो लगातार मार्केट में जो बाइंग ऑर्डर लग रही है उससे अगर डिलीवरी की अगर बात की जाए तो लगभग दोस्तों 93% के आज की मार्केट की जो डिलीवरी है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। पर लास्ट अगर 1 महीने में देखा जाए तो गिरावट दोस्तों फिर से देखने को नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो उतार चढ़ाव तो देखने को मिले, पर जो गिरावट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को नजर आ रही है। 9.5% के रिटर्न्स पर यहाँ पे जो है नेगेटिव रह सकती है, और वह देखा जाए तो दोस्तों 10 पैसे का जो है वर्तमान में लॉस यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1.05 रुपये तक जो प्राइस थी वो हम लोग को देखने को नजर आई, और मार्केट कैप में दोस्तों अगर देखा जाए तो फिर से आज गिरावट यहाँ पे देखने को नजर आई है। क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम जो मार्केट कैप हम लोग को जो देखने को नजर आ रहा था वो 1280 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, पर आज अगर देखा जाए तो 1150 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैप है वो देखने को नजर आ रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल अगर आज के कारोबार पर अगर नज़र देखा जाए तो दोस्तों कंपनी का जो कारोबार आज देखने को नजर आया 71,24,961 शेयर का, पर दोस्तों अगर बाइंग ऑर्डर की अगर बात की जाए तो 4,40,53,307 शेयर दोस्तों आज के मार्केट के ऊपर बाइंग ऑर्डर लगी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो सेलिंग ऑर्डर काफ़ी कम रहने वाला है, पर इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो 1,19,01,758 शेयर दोस्तों आज के मार्केट पर जो सेलिंग ऑर्डर है आज के मार्केट पर देखने को मिला। और जिस प्रकार मैंने दोस्तों आप लोगों को पहले बताया था कि जो डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, 92.68% के आज के मार्केट की डिलीवरी यहाँ पे देखने को मिली। पर दोस्तों ऑलरेडी जो है निफ्टी 50 पर जो क्रेस देखने को नज़र आ रही है, BSE सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो उस पर ऑलरेडी मार्केट में जो क्रेस है वो देखने को मिल रही है। BSE सेंसेक्स की अगर बात की जाए तो 237 अंकों की दोस्तों क्रेस यहाँ पर रहने वाली है, और निफ्टी 50 की अगर देखा जाए तो 62.85 अंकों की जो क्रेज है वो आज के मार्केट पर देखने को मिलने वाली है। फिलहाल दोस्तों आप लोग को चार्ट एनालिसिस की ओर लेकर चलो, उससे तो दोस्तों फिलहाल अगर कैंडल्स का पैटर्न अगर देखा जाए तो कैंडल्स एक बार फिर से दोस्तों बुलिस की तरफ यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले टाइम से दोस्तों मार्केट जो है बेरिस की तरफ यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था, और गिरावट जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने को नजर आई थी। पर अभी के टाइम बुलिस की तरफ अगर मार्केट बढ़ रहा है दोस्तों, बाइंग ऑर्डर अगर काफ़ी अच्छी लग रही है तो मार्केट में दोस्तों रिकवरी आना काफ़ी संभव है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी की जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसमें भी जो गिरावट है वो आज देखने को नजर आई है। साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट कैप जो अभी के टाइम देखने को नजर आ रहा है 1178
करोड़ का जो मार्केट कैप आज के इंट्राडे के बीच से कंप्लीट देखने को मिलने वाला है। तो मार्केट कैप में दोस्तों गिरावट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दोस्तों अभी कंपनी को जो है मेंटेन करने की आवश्यकता है। और बाकी अगर फंडामेंटल्स अगर देखा जाए तो दोस्तों कंपनी के जो 100% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, और कंपनी में अगर देखा जाए तो कर्ज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने को नज़र आने वाला है, पर इसका क्वार्टर के रिजल्ट में डेटा बेटर हो सकता है। और फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेन स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।